हेलो फ्रेंड, मैं आलोक कुमार और आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेसबुक ग्रुप एक्सटेंशन के बारे में, जिसके थ्रू आप अपना कंटेंट वायरल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। मैं उन सभी एक्सटेंशन के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, जिसके थ्रू आपका कंटेंट आप सिंपल वे से और अपना इजी वे से अपना कंटेंट आप वायरल कर सकते हैं। देखिए, और देखिए, ये सब मैंने पूरी एक्सटेंशन पूरा यहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ है। ठीक है, एक्सटेंशन अपलोड करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ एक्सटेंशन अपलोड कैसे होगा। और मैं सभी एक्सटेंशन में आपको इस वीडियो में जितने एक्सटेंशन के बारे में बताऊँगा, फेसबुक ग्रुप एक्सटेंशन के बारे में जितना मैं इस वीडियो में बताऊँगा, सभी एक्सटेंशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेगा ड्राइव में, और वहाँ से जाके आप सभी एक्सटेंशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्सटेंशन अपलोड कैसे होता है क्रोम ब्राउज़र में। ठीक है, मैं क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना और क्रोम ब्राउज़र में एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है, अपलोड करना है। सॉरी, आपको थ्री डॉट दिख रहे होंगे यहाँ पे थ्री डॉट पे आप जाइए, यहाँ पे मोर टूल्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप मोर टूल्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक्सटेंशन दिखेगा ऑप्शन, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, आपका एक्सटेंशन का पेज ओपन हो जाएगा। आपको एक्सटेंशन ओपन कर आपको एक्सटेंशन आपको अपलोड करना है। उससे पहले आप जब आप अपने पहले कोई एक्सटेंशन अपलोड नहीं किया होगा, तो आपका जो डेवलपर मोड का जो ये ऑप्शन है, ये इस तरीके से ऑफ रहता है, इसको आपको ऑन कर देना है। फिर जाकर आप एक्सटेंशन, कोई भी एक्सटेंशन आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोडेड पैकेज पे आप जाइए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जो भी आपका एक्सटेंशन है, जिधर भी आपका एक्सटेंशन है, ठीक है, जिधर भी आपका एक्सटेंशन है, उस फाइल पे आपको जाना है। ठीक है, और यहाँ से आपको सिलेक्ट करके उस एक्सटेंशन को यहाँ पे अपलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, मैंने पहले वीडियो में बताया कि इस तरीके से आपको अपलोड करना सिंपल है। मैं पहले से अपलोड कर चुका हूँ और मैं उनका यूज़ आपको बताता हूँ, हर एक्सटेंशन का क्या क्या यूज़ है। और आपका जो ब्राउज़र, जिस ब्राउज़र में आपने एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया है हुआ है, उसी ब्राउज़र में आपका फेसबुक आईडी भी आपका लॉगिन होना चाहिए। ठीक है, एक्सटेंशन एंड फेसबुक आईडी दोनों अटैच होते हैं, तब जाके आपको उसका रिजल्ट मिलता है। चलिए हम फर्स्ट एक्सटेंशन को देख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा एक्सटेंशन है, ऑटो पोस्ट ग्रुप। ठीक है, ऑटो पोस्ट ग्रुप है ये एक्सटेंशन, काम आता है कि आपने अपने मल्टीपल ग्रुप को आपने ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, कम से कम 20, 25, 50 ग्रुप आपने ज्वाइन किया हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि मैन्युअली आपको पोस्ट करने में उन सभी ग्रुपों में आपको प्रॉब्लम होगा, तो ये एक्सटेंशन उसी में काम आता है कि आपको बस उनका ग्रुप का आईडी यहाँ पे डाल देना है और आपको क्या उस ग्रुप में क्या शेयर करना है यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है, और सिर्फ क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सभी आपका जो कंटेंट है वो सभी ग्रुप में ऑटोमेटिकली वो पोस्ट हो जाएगा। एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हैं और इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसमें अपना ग्रुप का जो आईडी है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ है अलग अलग ग्रुप का आईडी, इस टाइप का ग्रुप का आईडी होता है। ठीक है, तो ये जो आईडी होता है इसको आपको सिर्फ इसको डालना है। ठीक है, पूरा ये facebook.com को नहीं डालना, सिर्फ ये जो नंबर्स आपको दिख रहे होंगे यही ग्रुप आईडी होता है, सिर्फ आपको इसको ही डालना है। ठीक है, मैं आपको कोई ग्रुप भी ओपन तो मैं आपको करवा देता हूँ, कोई भी ग्रुप मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये होता है ग्रुप का जो आईडी होता है, ये होता है ग्रुप का आईडी। देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे पूरा URL है और ग्रुप के बाद स्लैश दिया हुआ है। यहाँ पे ये जो नंबर है ना, ये ग्रुप का आईडी होता है, इसी ग्रुप के आईडी को आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे मैं दिखा दूँ दो तीन ग्रुप्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसका आईडी डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे आपका कोई टेक्स्ट है या टेक्स्ट में आप पोस्ट करना चाहते हैं हर ग्रुप में, या कोई लिंक है आर्टिकल का या वीडियो का या कोई फोटेज है। ठीक है, या कोई फोटो है आपका, तो जैसे मैंने यहाँ पे फोटो पे क्लिक किया और यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, जो टाइटल रहता है वो टाइटल लिख सकते हैं, नाइस लाइक एंड शेयर। ठीक है, लिखकर इमोजी देना चाहते हैं तो इमोजी दे दीजिए, और आपको पिक्चर इसमें ऐड करना है, इमेज ऐड करना है, तो ये आपको यहाँ पे आइकन दिख रहा होगा, इस पर आप डबल क्लिक करिए। जैसे डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे जो भी आपको इमेज डालना है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद और भी कोई इमेज आपको डालना है तो डबल क्लिक करके और भी इमेज यहाँ पे अटैच कर सकते हैं,
मैं फिलहाल एक इमेज अटैच कर रहा हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है ऐड पोस्ट पे। तो यहाँ पे आपका जो पोस्ट, आप जितने भी आपका पोस्ट यहाँ पे शो हो रहा है, और इसको एडिट करना चाहिए तो एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहिए तो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे फिर उसके बाद आपने ये काम कर दिया, उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसको आप छोड़ दीजिए। और यहाँ पे ऑर्डर के हिसाब से रखिए इसको, रैंडम टेक्स्ट कुछ मतलब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको यहाँ पे स्टार्ट पोस्ट पे क्लिक करना है, स्टार्ट पोस्ट का जो बटन होता है वो रेड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इंफॉर्मेशन वो देगा किस किस ग्रुप में ये पोस्ट हो गया है या नहीं हुआ है। एक क्रॉस क्रॉस इसलिए बता रहा है क्योंकि वो एडमिन अप्रूवल ग्रुप्स हैं, इस वजह से वो यहाँ पे क्रॉस क्रॉस बता रहा है, ठीक है। जैसे एडमिन अप्रूव दे देगा तो उस ग्रुप में आपका जो भी आपने पोस्ट शेयर किया हुआ है वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने किया हुआ, मैं इसको एक बार चेक भी कर लेता हूँ, एडमिन अप्रूवल ग्रुप होगा इसकी वजह से वो यहाँ पर रेड बता रहा है। पेंडिंग पे है, देखें यहाँ पे ये पेंडिंग पोस्ट है, ठीक है। एडमिन जो है उस ग्रुप का अप्रूवल दे देगा तो वो पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। जो दूसरा एक्सटेंशन है ऑटो पोस्ट मल्टीपल फेसबुक ग्रुप, ठीक है। ये एक्सटेंशन क्या काम आता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो एक्सटेंशन है उसी टाइप का है जो मैंने पहले एक्सटेंशन के बारे में बात किया था, ये उसी टाइप का है। मगर इस एक्सटेंशन में खास बात यह है कि आपने अपने आईडी में जितने भी ग्रुप आपने ज्वाइन किया हुआ है सभी वो ग्रुप यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। जितने भी आपने ग्रुप ज्वाइन किया है टोटल का टोटल यहाँ पे आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें क्या है ना कि आपको आईडी डालने की कोई झंझट नहीं है, क्योंकि ग्रुप की आईडी डालने की कोई झंझट नहीं है। बस आपको जिस ग्रुप में आपको शेयर करना है बस आपको क्लिक कर देना है, सिर्फ क्लिक करना है, उस ग्रुप में ऑटोमेटिकली वो जो भी कंटेंट है आपका शेयर हो जाएगा। मगर उससे पहले आपको पहले कंटेंट डालना पड़ेगा इस एक्सटेंशन में, जो भी टेक्स्ट के फॉर्मेट में कंटेंट है आपका, लिंक में है या फोटोज़ में, ठीक है, जो भी है। जैसे मैंने पहले एक्सटेंशन वाले में बताया जस्ट लाइक, इसमें भी उसी टाइप का आपको अपना जो भी है कॉन्टेंट है अपलोड करना, उसके बाद स्टार्ट कर देना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट कर लेना है किस किस ग्रुप में आपको शेयर करना है अपना कंटेंट। उसके बाद आपका जो भी कंटेंट है उस ग्रुप में ऑटोमेटिकली एडमिन अप्रूवल होगा तो एडमिन अप्रूवल पे पेंडिंग में चला जाएगा, या ऑटो अप्रूवल होगा तो ऑटो अप्रूवल पे पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। हम चलते हैं थर्ड वाले एक्सटेंशन पे। सभी एक्सटेंशन सिंपल है, कोई ज़्यादा हर एक्सटेंशन में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सभी एक्सटेंशन आपके लिए प्रॉपर है, कोई एक्सटेंशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बारी बारी सारे एक्सटेंशन आप अपलोड करिए और उसको थोड़ा सा देखिए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये जो एक्सटेंशन है फेसबुक ग्रुप रेडी टू पोस्ट चेकर, ठीक है, फेसबुक ग्रुप रेडी टू पोस्ट चेकर, ये जो एक्सटेंशन है ये एक्सटेंशन उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो लोग मैनुअल जो लोग ग्रुप में जाते हैं, वहाँ पे ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन होने के बाद अपना कंटेंट वहाँ पे शेयर करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये एक्सटेंशन हेल्प कैसे करेगा कि बस उनको ना उन सभी ग्रुप का यहाँ पे लिंक आईडी डाल देना है, और ये एक्सटेंशन आपको बता देगा कि उन ग्रुप में आपको ज्वाइन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। विदाउट ज्वाइन हुए भी उन ग्रुप में अपना कंटेंट आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये एक्सटेंशन उसमें काम आता है, उसमें आपको हेल्प करेगा, आपको वो ग्रुप फाइंड आउट करके देगा जिसमें आपको ज्वाइन होने की ज़रूरत नहीं है उस ग्रुप में, ठीक है। सिर्फ आपको ना अपना आप कंटेंट डालेंगे ऑटोमेटिकली वो पब्लिश हो जाएगा। एडमिन अप्रूवल पे होगा तो एडमिन पे चला जाएगा, या ऑटो अप्रूवल पे होगा तो ऑटो अप्रूवल पे वो पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन उसमें काम आता है। मेरे पास अभी कोई दिखा देता हूँ, मेरे पास ये कोई होगा, इनमें से कोई होगा तो मैं यहाँ पे वो शो हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे मैंने आईडी डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया। देखिए ये सभी ग्रुप इसने फाइंड आउट करके दे दिया, देखिए अभी यहाँ पे चल ही रहा है। देखिए यहाँ ये सभी ग्रुप मुझे फाइंड आउट करके दे दिया, इन सभी ग्रुप में मुझे ज्वाइन होने की इन ग्रुप में मुझे ज्वाइन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इस ग्रुप में अपना कंटेंट शेयर कर सकता हूँ। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार मैं करके। देखिए ये जो ग्रुप है, देखिए इसमें ज्वाइन किया है क्या मैंने, देखिए ये ग्रुप मैंने ज्वाइन किया हुआ है इसलिए मुझे ज्वाइन दिखा रहा है। मैं कोई दूसरा ग्रुप चेक कर लेता हूँ,
मैं आपको एक दूसरा ग्रुप चेक करके बता देता हूँ, एक ग्रुप चेक कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। देखिए इस ग्रुप में देखिए ज्वाइन है, ठीक है, ज्वाइन का ऑप्शन है, मगर इसमें ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैं कोई भी यहाँ पर देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया है मेरा, कोई भी मैं पोस्ट या वीडियो शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। मैं हाई लिख देता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि देखिए यहाँ पे मुझे ऑटो अप्रूवल, ये ग्रुप है तो मुझे इन्होंने परमिशन दे दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा हाई पोस्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें मैं ज्वाइन भी नहीं किया और ऑटोमेटिकली मैं पोस्ट भी कर लिया इस ग्रुप में, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ये एक्सटेंशन आपके लिए बेहतरीन है, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं फोर्थ एक्सटेंशन में, सॉरी। ये जो एक्सटेंशन है ना उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो लोग पता करना चाहते हैं कि ये जो वीडियो है जितने लोगों ने किस किस ग्रुप में शेयर किया हुआ है वो सभी ग्रुप यहाँ पे वो फाइंड आउट करके आपको दे देगा। मगर ये पेज के लिए, सिर्फ पेज, आपके पेज के ऊपर कोई वीडियो है, कोई फोटोज है तो वो बताता है ये, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा भी देता हूँ। कोई मैं पेज देख लेता हूँ, कोई पेज मेरे पास होगा, कोई पेज ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इन पेज में जो भी कंटेंट होगा वो कंटेंट जहाँ जहाँ जिन जिन ग्रुप में शेयर हुआ होगा वो सभी ग्रुप यहाँ पे मुझे ये एक्सटेंशन मुझे फाइंड आउट करके देगा, ठीक है। तो ये देखिए ये एक पेज है, ठीक है, और इस पेज में ये जो वीडियो है 12 लोगों ने शेयर किया हुआ, राइट। और मैं चाहता हूँ कि ये मुझे पूरी लिस्ट बना के दे दे कौन से ग्रुप में शेयर किया हुआ है, ठीक है। मैंने इसको ओपन कर लिया और यहाँ से इसकी जो आईडी है, इसकी आईडी मैं यहाँ से कॉपी कर लिया और इस एक्सटेंशन में गया और पोस्ट आईडी पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे गो पे क्लिक कर दिया मैंने। और यहाँ पे देखिए बताने लगा ये कि ये जो वीडियो है किस किस ग्रुप में शेयर किया हुआ है, देखिए टोटल का टोटल धीरे धीरे बताने लगा, ठीक है, इतने ग्रुप में वो शेयर हुआ है। सिर्फ ये पेज का बताता है और कोई ग्रुप में जो वीडियो है उसके लिए अलग एक्सटेंशन है, सिर्फ ये पेज का बताता है, फेसबुक पेज पे जो वीडियोस है, ठीक है, कितना ये ग्रुप्स हैं। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये क्या बता रहा है, कौन सा ग्रुप बता रहा है, ये सभी बेहतरीन ग्रुप्स हैं, सभी बेहतरीन एक्सटेंशंस हैं। देखिए ये ग्रुप इसने फाइंड आउट करके दे दिया, इस ग्रुप में उसने शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इतना इजी है, इस सभी एक्सटेंशन का आप यूज़ करिए, बेहतरीन है, अच्छे तरीके से सभी एक्सटेंशन का यूज़ करिए। फिफ्थ एक्सटेंशन पे चलते हैं। ये जो एक्सटेंशन आपको यूज़ में आएगा कि कौन कौन से ग्रुप ऑटो अप्रूवल है, ठीक है, डायरेक्ट आपको एडमिन का कोई परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। अब वो ग्रुप्स ना ऑटो अप्रूवल, जैसे आप उसमें पोस्ट डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ग्रुप का आईडी डालना पड़ेगा, मैं डाल देता हूँ कोई भी ग्रुप का आईडी, यहाँ से उठा के ये पूरी डाल के देख चेक करता हूँ कि कौन कौन से ऑटो अप्रूवल ग्रुप्स हैं। यहाँ से मैं स्टार्ट क्लिक पे चेक कर लेता हूँ और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है अलग अलग एक्सटेंशन के बारे में, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए इसमें से ये सभी ग्रुप्स इसने बताया कि ये सब ऑटो अप्रूवल ग्रुप्स हैं, तो मैं कोई ग्रुप चेक भी कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए भी, जैसे कि मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से मैं ग्रुप को चेक करके देख लेता हूँ क्या रियल में ये देते हैं या ऐसे। देखिए ये है और मैं इसमें पोस्ट में हाई लिख कर देखता हूँ कि ये मुझे ऑटो अप्रूवल देते हैं या नहीं देते हैं। ये एडमिन के पास जाता है, देखिए ये ऑटो अप्रूवल है, अब देख सकते हैं कि ये ऑटो अप्रूवल ग्रुप है, इसने अच्छे तरीके से मुझे ऑटो अप्रूवल ग्रुप फाइंड आउट करके दिया है। ये ऑटो अप्रूवल और एडमिन अप्रूवल में दोनों में फ़र्क होता है। ऑटो अप्रूवल में आपको किसी के परमिशन लेना नहीं पड़ता, ग्रुप का एडमिन है उससे परमिशन नहीं लेना पड़ता, जो भी कंटेंट डालेंगे ऑटोमेटिकली वो पब्लिश हो जाता है। और एडमिन अप्रूवल में क्या प्रॉब्लम होता है ना, जिस ग्रुप में एडमिन अप्रूवल मिलता है वो पहले एडमिन देखेगा फिर आपके कंटेंट का वो पब्लिश मतलब पोस्ट को वो पब्लिश करेगा, अप्रूवल देगा, ठीक है। ये सभी पाँचों एक्सटेंशन का आप अच्छे तरीके से यूज़ करिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मेगा ड्राइव का लिंक, वहाँ से क्लिक करके पांचों एक्सटेंशन को आप डाउनलोड करिए क्रोम ब्राउज़र में अपलोड करके,
तो आप पाँचों एक्सटेंशन का अच्छे तरीके से यूज़ करिए, ठीक है। आप फेसबुक पे काम करते हैं तो ये सभी एक्सटेंशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहते हैं। पर एक बात मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ कि ये जो एक्सटेंशन है अपने रियल आईडी में आप यूज़ ना करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन एक्सटेंशन के यूज़ करने के वजह से भी आपकी आईडी जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो अब रियल आईडी से अपना जो पर्सनल आईडी है उसका यूज़ ना करें, कोई अल्टरनेटिव आईडी अपना आप बना लें, उसमें सभी ये काम कर सकते हैं। आप लोगों में से बहुत से लोगों की रिक्वायरमेंट मुझे आई थी कि मुझे फेसबुक मोनेटाइज पेज के रिलेटेड सर्विस चाहिए। फेसबुक मोनेटाइज पेज से रिलेटेड हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोगों में से जिनको भी चाहिए वो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर इसको लाइक करिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप शेयर करना चाहें तो बिल्कुल ही आप शेयर करिए, और चैनल को तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।